जाने माने बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ब्रह्मा कुमारीज नेपाल के पोखरा सेवा केंद्र पहुंची और वहां उन्होंने कुछ देर मेडिटेशन भी किया। सेवा केंद्र में वो नेपाल के कई वरिष्ठ नेताओं और जाने माने हस्तियों के साथ आई थी। इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री ब्रह्मा कुमारीज नया बाजार पोखरा सेवा केंद्र जब पहुंची तो उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई, मानो वो इस मौके का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। बड़े प्यार से वो राजयोगिनी बी के परिणीता दीदी और अन्य भाई बहनों से मिली और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ पल मेडिटेशन रूम में भी बिताए। ईश्वरीय प्रसाद स्वीकार करते वक्त वो बेहद सुकून में नजर आईं, जैसे वो अपने ही घर में बैठी हों। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं शिव बाबा और दीदियों का आशीर्वाद लेने आई हूं। उन्होंने माउंट आबू जाने की इच्छा भी जताई और कहा कि मैं वहां जरूर जाऊंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मैं मुंबई में भी ब्रह्मा कुमारी बहनों से रक्षाबंधन पर राखी बंधाती आई हूं। राजयोगी बी के शैलेश राज बराल से उन्होंने संस्था की गतिविधियों के बारे में और राजयोग मेडिटेशन की जानकारी भी ली। इस अवसर पर उनके साथ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लेनदेन, पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय सदस्य अर्जुन श्रेष्ठ और विश्व हिंदू महासंघ नेपाल के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर खराल, जिला अध्यक्ष पार्वता पोडेल भी मौजूद रहे। आपको बता दें, बॉलीवुड अदाकारा मनीषा कोइराला नेपाल के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं और बॉलीवुड के सभी जाने माने डायरेक्टर्स के साथ दर्जनों फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनकी कई फिल्में सुपरहिट रही हैं और उन्हें बॉलीवुड के फिल्म फेयर जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड समेत कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीस न्यूज़।